आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेज नाउ की खबरें फटाफट। मौत बड़ी दुखदाई होती है, चाहे वो किसी की भी हो, और जब जश्न के माहौल में ऐसी घटना घट जाए तो मातम पूरे इलाके के लिए असहनीय हो जाता है। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरिया की घटना ने सभी को अंदर तक झिझोड़ दिया है। कुएं में गिरने और अस्पताल से मर्चरी तक 11 शव पहुंच चुके थे। नौरंगिया गांव के स्कूल टोला स्थित एक घर में शादी का माहौल था। गुरुवार को बारात जानी थी, बुधवार को हल्दी की रस्म चल रही थी। घर की तमाम महिलाएं गांव के एक पुराने कुएं पर गीत गा रही थी, तभी पुराना कमजोर स्लैब फंस गया और सभी कुएं के अंदर जा गिरी। कुछ की तो मौत पानी में डूबने से तो कुछ की मौत चोट लगने से हुई। रात का वक्त था, एम्बुलेंस और राहत दल के आने में देरी से भी कुछ ने प्राण छोड़ दिए। सुबह तक एक एक कर अस्पताल से मर्चरी तक 11 लाशें लाई जा चुकी थीं, जबकि कुल 23 लोगों के गिरने की सूचना है। कई घायल अभी भी अस्पताल में गंभीर हाल में हैं। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चियां ही थीं। यह सूचना आज सवेरे जब CM योगी आदित्यनाथ को मिली तो वे काफी दुखी हुए और तत्काल मृतक परिवार के सदस्यों को राहत धनराशि भेजने का आदेश अधिकारियों को दिया। हमारे वहाँ बेटे की हल्दी की कार्यक्रम थी। उस हल्दी के कार्यक्रम में औरतें कुएं पर जाके मटकुड़वा जिसको कहते हैं वो कार्यक्रम होता है, गांव की औरतें साथ में जाती हैं, उसमें कोई जेंट्स जाता नहीं है। उस समय हम लोग अपने दरवाजे पर गांव के कुछ लोगों को खाना भोजन करवा रहे थे कि कल बारात चलनी है, और हम लोग भोजन लगभग फाइनल हो चुका था। उसके बाद उधर से एक लड़का चिल्लाते हुए आया, कहा कि बाबा और कुछ लड़के कुएं में गिर गए। तब तक सारे गांव के लोग कोई सीढ़ी लेके चौंपा, कोई रस्सी लेके चौंपा, तब तक हम लोग भी वहां गए। जगह थोड़ा है, आदमी ज़्यादा थे, किसी भी तरह से बहुत बच्चे मेहनत किए तो 7 लोगों को उससे निकाला गया। उस 7 लोगों में एक मेरी भी नातिन थी। और घटना का कारण यह है कि जो कुआं था वो पुराने जर्जर कुएं हैं और ऊपर से स्लेप डाल दिए गए थे। उस स्लेप पर उसके क्षमता से ज़्यादा औरतें चढ़ गई थी, वो लेके नीचे चला गया। कितने बजे की घटना है? हमको लगता है कि 7:30-8 बजे का घटना होगा। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ा विषय है, 8 बजे का बड़ा विषय है, घटना बहुत बड़ी हो गई, 13 लोगों की मौत हो गई, बेटे की शादी है, क्या आप करेंगे ऐसे? अब इस गमगीन माहौल में जितने बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे गांव के बच्चे हैं, अगर मेरे हैं तभी तो मेरे साथ गए थे। इसमें शादी यहाँ से तो नहीं जाना है, हमने कैंसिल कर दिया, हम भी नहीं जा रहे हैं, और 2-4 लोगों से राय ले रहे हैं, बेटियाँ लोग भी बहुत बेचैन हैं, तो हो सकता है कि एक हमारा बालक और एक साथी और जा करके किसी तरह से वहाँ रस्म पूरा कर दे, लेकिन यहाँ से बारात नहीं जाएगी, शादी होगी, बारात नहीं निकलेगी। सारे बच्चे हमारे हैं गांव। एक दुखद हादसा हुआ, ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था, और किसी ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था, और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही उनको ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चुरी में है, और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं, और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है, आने के बाद पता चलेगा।
ये थी कुशीनगर की नेबुआ नौरंगिया के एक गांव की घटना। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।